सो गाइस मुझे पता है आप लोग थंबनेल पे इसलिए क्लिक किए हैं ना क्योंकि आप लोग भी ढूंढते हैं कोई वीडियो जिस वीडियो में आप लोग आसान तरीका बताए और पीछे का बैकग्राउंड आप लोग कैसे हाई ब्लर कर सके एंड साथ ही साथ आप लोग अपने फेस को रिटच कैसे कर सके एंड फेस को फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ कैसे कर सके एंड साथ ही साथ आप लोग अपने बैकग्राउंड को डिफरेंट डिफरेंट कलर में कैसे आप लोग चेंज कर सके एंड साथ ही साथ आप लोग अपने पीछे के बैकग्राउंड को कैसे हाई ब्लर कर सके। सो गाइस मैं आप लोग को आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। आप लोग कहते हैं नाटिस भाई यूट्यूब पे आधा वीडियो ही बताते हो पूरा फुल नहीं बताते हो। सो गाइस अगर आप लोग आज का वीडियो बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे तो 110% गाइस आप लोग मेरे जैसा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को सेम ऐसा एडिटिंग सीखना होगा एंड बहुत ही आसान तरीके से तो इस वीडियो को आप लोग को एक सेकंड भी भगा करके नहीं देखना है। वीडियो पे 110% गाइस बने रहना है। तो अभी आप लोग सेम कुछ इस तरीके से आप लोग एडिटिंग मेरे जैसा सीख पाएंगे। देखिए आपको दिखाते बिफोर में कुछ इस तरीके से फोटो है एंड आफ्टर में देख लीजिए कितना गजब का लुक लाइट दिए हैं फेस पे एंड कपड़े के ऊपर एंड बैकग्राउंड को एंड ये वाला देखिए बहुत ही बवाल का लग रहा है एंड इस वाले फोटो को देख लीजिए बहुत ही गजब का लुक है एंड इस वाले फोटो में तो बहुत ही ऑसम तरीके से हम लोग का बैकग्राउंड एंड फेस एंड हम लोग का कपड़ा मैच कर रहा है। एंड दोस्तों इस वाले फोटो में बहुत ही ऑसम तरीके से मैं ब्लर किया हूँ हाई ब्लर एंड यहाँ देख लीजिए चश्मा है जो 1% भी चश्मे के ऊपर नहीं गया है एंड बहुत ही ऑसम तरीके से हम लोग का बैकग्राउंड ब्लर हाई क्वालिटी हो चुका है। सो दोस्तों अगर आप लोग को सेम सीखना होगा इस तरीके से एडिटिंग तो आप लोग को वीडियो पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दे करके देखना होगा तो अभी आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा इस स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एंड आप लोग भी मेरी जानना हो स्नैपसीड यूज करते हैं एंड मैं भी यूज करता हूँ सेम स्नैपसीड आप लोग भी यूज करते हैं सेम स्नैपसीड मैं भी यूज करता हूँ लेकिन आप लोग जो जो स्टेप यूज करते हैं आप लोग भगा भगा करके वीडियो को देख करके करते हैं इसके लिए मेरे जैसे आप लोग एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। एंड दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग देख लेंगे जो जो मैं स्टेप यूज करूंगा अगर आप लोग सेम करेंगे ना तो आप लोग का फोटो बहुत ही गजब का लुक में एडिटिंग होना चालू हो जाएगा। एंड दोस्तों सिंपली आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे देखिएगा ट्यून इमेज होगा ठीक है तो ट्यून इमेज पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से एम्बियंस को आप लोग बढ़ा लीजिएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से 77+ कर दे रहे हैं एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। एक एक टूल्स के बारे में बताने वाले देखिए एम्बियंस को बढ़ाए हैं तो अभी हम लोग के कपड़े पे देखिएगा लाइट ठीक है बिफोर में देखिए कुछ इस तरीके से एंड आफ्टर में कुछ इस तरीके से हो चुका है। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका देखिए स्ट्रक्चर को 56+ कर देना है ताकि हम लोग के फेस के ऊपर एंड कपड़े के ऊपर टेक्सचर आ जाए ठीक है ताकि हम लोग का एचडी में कपड़ा लगे एंड फेस लगे एंड बैकग्राउंड। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा फिर से देख लीजिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर इतना समझ में आ रहा है ना। एक एक टूल्स स्टेप फॉलो कीजिएगा आप लोग ये अपने फोटो के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल आप टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा यहाँ पे ट्यून इमेज वाला ऑप्शन पे एंड इसका शेडो हम लोग को बढ़ा देना होगा ठीक है कुछ इस तरीके से हम लोग को 50+ शेडो को बढ़ा देना होगा। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल आप फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा पता है कहाँ पे फिर से आप लोग को डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका शार्पनिंग को आप लोग को 100+ कर देना है ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा आप लोग खुद ही देख लीजिए फोटो में कितना इफेक्ट आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। पहले तो हम लोग का लो फोटो है एंड अब हम लोग का फोटो हाई क्वालिटी हो चुका है। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल आप लोग शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड दोस्तों लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सिंपली आप लोगों को देखिए यहाँ पे शेयर बगल में 3 डॉट बिंदु होगा ठीक है एंड आप लोग कहते हैं नाटिस भाई अपना खुद का रियल प्रीसेट बना करके दो। सो दोस्तों मैं आज आप लोग को बताऊंगा मेरा प्रीसेट आप लोग कैसे बनाएंगे वो भी फुल एचडी हाई क्वालिटी जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जिस तरीके से मेरा प्रीसेट काम कर रहा है सेम उसी तरीके से आप लोग का प्रीसेट काम करेगा। एंड दोस्तों देखिए शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आप लोग को पेस्ट सेटिंग कर देना होगा। एंड दोस्तों पेस्ट सेटिंग करने में सिंपली कुछ इस तरीके से हम लोग का फेस एंड बैकग्राउंड हो जाएगा देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। एंड दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग को देखिए कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को मिक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा सिंपली आप लोग को देखिए ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका सैचुरेशन आप लोग 100+ कर देना है ठीक है। एंड आप लोग बताएंगे ना आप लोग को बताएंगे प्रीसेट को कैसे आप लोग को बनाना है डाउनलोड करने का नहीं बताएंगे ठीक है दोस्तों आप लोग सेम कुछ इस तरीके से प्रीसेट के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग के फोन के अंदर काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे आर्टिस्ट भाई रियल वीडियो नहीं बनाते हो। एंड दोस्तों मैं आप लोग को खुद ही बता दूं कि आप लोग मेरे जैसा प्रीसेट कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं कोई से भी फोटो को आप लोग अपने
तो दोस्तों कितना मजा आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिएगा, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल, आपको देखिए इस सोल्यूशन पे आ जाना होगा। अगर मान लीजिए आप लोग को व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपली यहाँ से आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से पहले हम लोग इसको 100 कर देते हैं, ठीक है, 100 कर देंगे। एंड इसका सिचुएशन भी हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ से 100 माइनस रखने देते हैं, ठीक है, 100 माइनस रहने देंगे। एंड दोस्तों ग्रीन वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सिचुएशन आप लोग को देखिए यहाँ से 100 माइनस कर देंगे तो आप लोग का पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो जो यूज करूंगा टूल्स ना एक एक बार में बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिएगा दोस्तों। इतना करना सिंपल, आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाइएगा। एंड इसका सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग माइनस कर देंगे 56 माइनस। एंड सिंपल आप लोग इसका लिमिनस बढ़ा लीजिएगा तो 78 बढ़ा दे रहे हैं। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल आप लोग डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाइएगा। एंड इसका नो एडिक्शन 100 कर लीजिएगा। एंड डिटेल्स को 100 कर लीजिएगा। एंड कलर नो एडिक्शन को 100 कर देंगे। एंड डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को देखिए फिर आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों आप लोग भी वन क्लिक में सेम इसी तरीके से आप लोग अपने फोटो को एडिट कर पाएंगे। देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपल आप लोगों को शेयर पे क्लिक कर देना होगा। सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो दोस्तों फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा फेस ऐप एप्लीकेशन के अंदर, जो आप लोग को मेरी जान ना प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड कुछ इस तरीके से शेयर करने वाला इंटरफेस आ जाएगा। एंड आप लोग क्या कीजिएगा, डाटा ऑन करके चालू कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करा कर रखे हैं, जो भी मैं बताता हूँ रियल आप लोग को मैं वीडियो में बताता हूँ। एंड दोस्तों शेयर करने में सिंपल आप लोग स्क्रॉल करके आ जाना होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आप लोग को पूरा फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट प्यारा प्यारा कीजिएगा, मैं आप लोग को पूरा फुल ट्यूटोरियल डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे फेस ऐप एप्लीकेशन के बारे में। एंड दोस्तों सिंपली देखिए यहाँ पे लेंस ब्लर होगा। एंड दोस्तों लेंस ब्लर पे क्लिक करना है। सिंपली देखिए यहाँ पे बहुत सारा ब्लर है, ठीक है, हाई ब्लर है एंड लो ब्लर है। तो सिंपली आप लोग देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही बवाल का हम लोग का पीछे का बैकग्राउंड हाई ब्लर हो जाएगा। एंड दोस्तों इतना करने के बाद सॉरी आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कितना आप लोग हाई ब्लर चाहते हैं एंड कितना ज़्यादा आप लोग पीछे बैकग्राउंड को नहीं करना चाहते, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप अप्लाई कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अप्लाई करना सिंपली सेव पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो जान जैसे आप लोग फोटो सेव करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा कॉर्नर में फेस ऐप का लोगो आ चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता तो वीडियो में आप लोग को यहाँ से रिमूव करके नहीं दिखा देता, मैं आप लोगों को भाई मानता हूँ एंड परिवार बराबर मानता हूँ। इसके लिए जो मैं एडिटिंग बताता हूँ रियल तरीके से बताता हूँ। अपने फोटो को ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, जिस फोटो को आप लोग फेस एप्लीकेशन के अंदर से बना करके लाए होंगे। सिंपल आप लोग हीलिंग वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा। एंड एक बार में ना ये जो फेस ऐप है हम लोग का गायब हो जाएगा, देखिए कितना आसान तरीके से गायब हो चुका है। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करना सिंपल आप लोग को शेयर कर लेना पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड दोस्तों शेयर करने और सिंपल आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। एंड दोस्तों इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने और सिंपली यहाँ पे देखिएगा ह्यू वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, HUE सिंपल आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड दोस्तों आप लोग को आ जाना होगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे। एंड दोस्तों बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग का पीछे का हो जाएगा बैकग्राउंड। एंड दोस्तों इतना करना सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। डन करना फिर से आप लोग ह्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से अमाउंट को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे जान। एंड दोस्तों सिंपली यहाँ पे देखिए मल्टीपल ही है। एंड सिंपली देखिए कलर है, ठीक है, एंड डार्कन है एंड लाइट्स है, स्किन है, ओवरली है, एंड यहाँ देखिए सॉफ्ट लाइट है एंड हार्ड लाइट है, एंड सिंपली यहाँ डिफरेंस है। सो दोस्तों आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है मेरे जान। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं। एंड चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ फेस को कैसे फुल एचडी रिटचिंग करते हैं। सो मेरी जान फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग ना कोई सा भी बैकग्राउंड आप लोग कर लीजिएगा, अपने पीछे का बैकग्राउंड को कोई सा भी कलर आप लोग दे दीजिएगा। एंड दोस्तों देने के बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। एंड अभी देखिएगा आर्टिक्स भाई जादू करने वाला है, ठीक है मेरी जान। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग का जो भी पिंपल्स है एंड ब्लैक ब्लैक है आप लोग देखिएगा वो कितना आसान तरीके से गायब होना चालू हो जाएगा। एंड दोस्तों शेयर करना सिंपल आपको देखिए टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने में थोड़ा सा लोडिंग लगेगा, ठीक है मेरे जान। तो सिंपली आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको देखिए यहाँ से 100 प्लस कर देते हैं। एंड देखिए स्किन स्मूथनिंग को भी हम लोग 100 प्लस कर देंगे। एंड यहाँ से देखिए आई क्लैरिटी थोड़ा सा हम लोग माइनस कर देते हैं, सॉरी फ्रेंड प्लस ही रखेंगे, 16 प्लस रखेंगे। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली देखिए फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा, सेलेक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ब्लैक है गला हम लोग का, तो यहाँ के यहाँ सॉरी फ्रेंड इस पर हम लोग ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी गाइस, ठीक है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन कर देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड अभी हम लोग का उतना अच्छे तरीके से फेस के ऊपर से पिंपल्स रिमूव नहीं हुआ है। तो सिंपल आप देखिए टूल्स वाला आइकन पे आ जाएंगे, लेंस ब्लर पे क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों लेंस ब्लर पे क्लिक करना, सिंपली इसको छोटा कर लीजिएगा एंड साइड में कहीं भी एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेना होगा, तो 50 कर दे रहे हैं। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा।
डन करना सिंपली शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आ जाएंगे, वीडियोस पे आ जाएंगे, इन लेंस ब्लर एंड ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना, देखिए अभी जादू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। फोटो में तो देखिए पिंपल्स है ना, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जानना, तो बहुत ही औसम तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ चालू हो जाएगा, यानी मतलब कि फेस स्मूथ होना चालू हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ठीक है दोस्तों, जो भी मैं बताता हूँ वीडियो में रियल तरीके से बताता हूँ। अगर आप लोग को प्रीसेट बनाना नहीं आता है तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। ऊपर दो वीडियो दिख रहा होगा, उसी वीडियो में से एक वीडियो आप लोग पूरा बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे। आप लोग पता नहीं किस वीडियो पर क्लिक करेंगे, लेकिन दोनों वीडियो में मैं बताया हूँ कि प्रीसेट आप लोग मेरे जैसा कैसे आप लोग बना पाएंगे सेम इसी तरीके से। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एचडी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।